बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारी इसी यूट्यूब चैनल को लाइव में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लूना यहाँ पे क्या 1000x दे सकता है। यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है ये नेक्स्ट सेवा इनो की तरह यहाँ पे ग्रो कर सकता है। ग्रो अगर करेगा तो कितना कर सकता है और क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको क्या सोचना है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। और अगर आप बाइंग करके रखे हो और होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो, लेकिन आप जितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो उतने का ही इसको बाइंग करके रखे, उससे ज़्यादा का नहीं। तो यहाँ पे चलिए हम इस आर्टिकल को देख लेते हैं और सबसे पहले तो इसका रीज़न हम देखेंगे। आर्टिकल का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अभी जो इसका स्टेबल कॉइन है उसके ऊपर इसको बहुत सारा काम करना है। और सबसे मेन रीज़न जो है 1000x यहाँ पे जो आर्टिकल आया है कि 1000x बन सकता है या नहीं, उसका रीज़न यही है कि इसका जो रिवाइवल प्लान जो बनाया गया है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रीज़न बताया गया है कि अगर ये ग्रो करता है तो 1000x तो ईज़िली मिल जाएगा, तो किससे मिल सकता है यहाँ पर देख सकते हो लाक मार्टिन करके एक यूज़र है जिसने ट्वीट किया है और इसने यहाँ पे इसको एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि आप लूना को देख सकती हो कि विद इन वीक के अंदर इसने 100% का फॉल दे दिया है। अगर प्राइस लूना का यहाँ से सिर्फ मान लीजिए $1 तक बैक जाता है तो भी आपका पैसा यहाँ पे 1000x हो सकता है। अगर इनकी बातों को माना जाए तो पॉसिबल है कि प्राइस जो है यहाँ से अगर 0.03 तक भी जाता है तो भी यहाँ पे लगभग 30,000% के आसपास यहाँ पे ऊपर चला जाएगा प्राइस। तो अगर यहाँ पे लूना का प्राइस ऊपर जाता है तो आप सभी को प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनका जो रिवाइवल प्लान है उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ये सिर्फ रिवाइवल प्लान लेके आया है और उसी के अंदर यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने ऑलमोस्ट 406% के आसपास यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ दे चुका है। अगर आपने यहाँ पे $100 लगाए होते 24 घंटे पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पैसे जो है 400 गुना यहाँ पे बढ़ चुका है, यानी कि 4x आपके पैसे बन चुका है। तो यहाँ पे इसका रिवाइवल प्लान में ऐसा क्या कुछ है जो प्राइस इतना जल्दी इतना पम्प कर रहा है? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लान में क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पर प्लान का जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम में नहीं है तो आप टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों यहाँ पे जो रिवाइवल प्लान बताया गया है अगर हम उसको समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें टोटल टोकन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 बिलियन टोकन। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 40% 40% और 10% 10% करके। दोस्तों यहाँ पे जो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है। तो पहला जो 40% यहाँ पे दिया जाएगा वो लूना होल्डर्स को दिया जाएगा जो मार्केट क्रैश से पहले इसको होल्ड करके रखे थे, और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, बाइनांस जैसे एक्सचेंज पे भी मिलेगा। अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को भी यूज़ करते थे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लूना के वॉलेट को भी यूज़ करते थे तो वहाँ पर तो आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पे ये जो पहला 40% है ये इन सब में बांटा जाएगा। देन नेक्स्ट जो 40% है वो USDT होल्डर्स को दिया जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे 100 मिलियन उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो यहाँ पे लूना टोकन को फॉल करने के बाद उनको स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे थे। फाउंडर का जो कहना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे उन सभी में हम यहाँ पर 10% बांटेंगे जो अमाउंट होता है 100 मिलियन, और देन जो लास्ट का 10% है जो 100 मिलियन बचता है तो वो फंड जो है कम्युनिटी पूल के अंदर यहाँ पे और जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये प्लान जो बताया गया है इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ये खाली एक प्रपोजल है। तो इसमें वैलिडेटर का क्या कुछ ओपिनियन है उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पर शुरू होगा, फिर उसी के बाद जो है लूना आगे बढ़ेगा और लूना का क्या कुछ हो सकता है कंडीशन उसके बाद आपको
जो सारा डिटेल्स है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लूना यहाँ पे कितना परसेंट ऊपर जा सकता है या नहीं। तो आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दे तो एक अच्छा खासा मोटा पैसा मिल सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट अगर रिवाइव नहीं कर पाता है तो ये लूनाज फाउंडेशन जो है यहाँ से ख़त्म भी हो सकता है। तो आपको सोच समझ के यहाँ से पैसा लगाना है। देन आपको और एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना है, वो है लूना जैसा ही स्टेबल कॉइन यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है USDT के नाम पे, जो है TRX का फाउंडर जस्टिन सन। तो यहाँ पे इनका अनाउंसमेंट आया है वाबी की तरफ से। तो यहाँ पे ये ट्वीट है और 16 तारीख को यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन होना है। तो आप अगर इस डिस्कशन को देखना चाहते हो तो आप वाबी लाइव या फिर यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव में भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे इसका डिटेल्स दिया गया है, तो आप इनसे समझ सकते हो कि इनका क्या प्लान है। और जो टेरा लूना का जो प्लान था ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग प्लान था टेरा लूना का, तो उसमें क्या कुछ डिफरेंस है, तो आप इसको लेकर आगे का प्लान कर सकते हो। क्योंकि USDD जो प्लान कर रहा है, क्या लूना इसके वजह से फेल किया है, तो आप इसको अगर इसको फाइंड कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप अगर TRX टोकन होल्ड करते हो तो इसमें TRX टोकन जो है एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक किया कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।